Welcome, students. Today, we are providing you a worksheet of chapter 4 to the cuckoo for class 10th in English. So, first question answer the following questions in about 25 words. First question is How does the poet address the cuckoo in the beginning of the poem, and why does he do so? Poem ki mein poet ne. कुकू को क्या कहकर पुकारा है और उसने ऐसा क्यों पुकारा है सो आंसर इज द पोएट एड्रेस द कुकू कुक्स द्लीद न्यू कमर ही सेज टू बिकॉज द द बर्ड्स एट बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग पोएम की शुरुआत में पोएट ने कुकू को ब्ली द्यू कमर कहकर पुकारा है वो ऐसा इसलिए क्योंकि कुकू जो है स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में ही हमेशा दिखाई देती है next question why does the poet choose to call the cuckoo a wandering voice poet ne cuckoo ko wandering voice kehna kyo pasand kiya hai so answer the poet calls the cuckoo a wandering voice because it always on to the move sometimes it goes far off and sometimes it comes too close besides these it वर्स फ्रॉम हिल टू हिल पोइट जो है कुक् को वॉन्डरिंग वाइस कहता है वॉन्ड्रिंग वाइस मतलब भटकती हुई आवाज़ क्योंकि वह आवाज हमेशा मूव करती है वो कोयल जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़कर बैठ जाती है और वहाँ से फिर वह आवाज़ निकालती है अपनी और ये आवाज़ कभी दूर से आती है तो कभी बहुत पास से दूसरी ओर जब ये इसकी आवाज आती है तो ये आवाज पहाड़ियों पर टकराती हुई एक हिल से दूसरी हिल तक होती हुई उस पोइट तक आती है नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज द कुकू ब्रिंग टू द पोएट पोएट के लिए कुकू क्या लेकर आई है सो आंसर द ब्रिंग्स द टेल ऑफ विजनरी आर्ट्स टू द पोएट इट मूव्स द पोएट टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय वो कुक्कू जो है पोएट के लिए कई घंटों तक सुनी जाने वाली ऐसी कहानी लेकर आई है कहानी मतलब उसकी आवाज और जब ये इसकी आवाज इधर से उधर सराउंडेड उसको सुनाई देती है तब उसको पोएट को एक सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय की अनुभूति होती है स्पिरिचुअल जॉय मतलब आध्यात्मिक आनंद नाउ क्वेश्चन नंबर फोर वट डज द कुकू मेक द पोएट डू ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज जब वो पोएट स्कूल डेज मतलब वो जब छोटा था स्कूल जाया करता था तब उसने उस कुकू की आवाज सुनी थी तब उस पोएट को कैसा लगता था और वो क्या करता था नाउ आंसर द पोएट यूज टू लिसन द कुकू सॉन्ग ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज द कुकू मेड द पोएट लुक अ थाउजेंड वेज इन द बुश ट्रीज एंड द स्काई ही ऑलवेज सिक्स द वॉइस ऑफ द इनविजिबल बर्ड पोएट जो है स्कूल के दिनों में उस कुकू की आवाज़ को सुनना बहुत पसंद करता था लेकिन वो उसको देख नहीं पाता था और उसको देखने के लिए उसकी तलाश करता था हजारों रास्तों की ओर देखता था हजारों मतलब यहाँ पर यह है कि रोज नए नए रास्तों की ओर उस कुक् को तलाश करता था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है वो देखता था कभी झाड़ियों में तो कभी पेड़ों पर या कभी स्काई की ओर देखता था वो हमेशा उस आवाज़ की ओर ये तलाश करता कि ये कौन सी बर्ड है जिसकी इतनी मधुर आवाज़ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डज द अर्थ अपियर टू द पोएट आफ्टर हियरिंग द कुकूज वॉइस वो धरती किस प्रकार से महसूस होती है उस पोएट को जब वो उस कुकू की आवाज सुनता है आफ्टर हियरिंग द कुकूज वॉइस द अर्थ अपियर्स टू बी एन अनरियल प्लेस टू द पोएट बिकॉज द कुकूज वॉइस एज ए मिस्ट्री फॉर द पोएट जब वो पोएट कुकू की आवाज सुनता है तो वो धरती उसके लिए एक अनरियल प्लेस की तरह होती है और उस कुकू की आवाज जो है उस पोएट के लिए एक मिस्ट्री है मिस्ट्री मतलब रहस्य नाउ पार्ट बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट सिक्स टू कन्वे इन द फॉलोइंग स्टेंस इन स्टेंस में पोएट क्या बताना चाहता है थ्राइस वेलकम फिर यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दी हुई है जबकि ये पोएम की कुछ लाइंस है यहां पर लिखी हुई है तो आप बुक में से देखकर इसको नोट कर सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं थ्राइस वेलकम फिर ये डॉट डॉट अ मिस्ट्री सो आंसर इज द पोएट कॉज द कुकू एज द डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग बिकॉज इट सिंग्स स्वीटर देन द सॉन्ग्स ऑफ अदर बर्ड्स

डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग कहता है क्योंकि वो हमेशा स्प्रिंग के सीजन में दिखाई देती है और सबसे मधुर आवाज इस कोको की आवाज की बजाय तो पोएट बार बार उसका वेलकम करता है सीजन में वह उसको एक इनविजिबल थिंग मानता है और उसकी आवाज एक रहस्य की तरह है वो कुकू को एक डिवाइन बर्ड कहता है डिवाइन बर्ड मतलब देवीय पक्षी जिसमें देवी तत्व हो या वो गुण हो एंड नॉट एन अर्थली बर्ड और उसको कहता है कि वो इस धरती की बर्ड नहीं है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द वेरियस वेज इन विच द पोएट एड्रेस द इन द पोयम इस पोयम में पोएट ने कुक्कू को किन किन नाम से पुकारा है द पोएट एड्रेस इज द कुकू इन द फॉलोइंग इन द फर्स्ट स्टेंजा ही कॉल्स इट एज एंड देन ही कॉल्स इट डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड इन विजिबल थिंग अ वॉइस ऑफ मिस्ट्री बट लास्ट ऑफ ऑल ही कॉल्स इट अ ब्लेस्ड बर्ड इस पोएम में पोएट ने कुकू को फर्स्ट स्टेंजा में और वॉइस कहा है फिर नेक्स्ट स्टेंजा में कोको को डालिंग ऑफ स्प्रिंग और इनविजिबल थिंग बताता है और लास्ट में मिस्ट्री मतलब रहस्य भरी आवाज और रहस्य भी कहता है उसको और लास्ट में उसको ब्लेस्ड बर्ड ब्लेस्ड बर्ड मींस कृपा करने वाले वाला पक्षी राइटिंग स्किल नेचर इज अ ग्रेट टीचर अल्बरेट दॉट्स प्रकृति एक महान शिक्षक की तरह है इन विचारों को वर्णन इन विचारों पर वर्णन कीजिए सो आंसर इज वर्ड्स वर्थ फेल्ट दैट नेचर लीड्स वन फ्रॉम जॉय टू जॉय वर्ड्स वर्थ ऐसा महसूस करते हैं कि प्रकृति जो है एक, आन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक आनंद को पहुंचाती है पहुंचाता है या प्रसारित करता है ही बिलीव नेचर इज द लिविंग बींग फॉर हिम नेचर वॉज ए सुप्रीम स्पिरिट दैट इज अ मैस्टिक बॉन्ड बिटवीन नेचर एंड मैन उस वर्ड्स वर्थ के अनुसार नेचर एक लिविंग बिंग की तरह है मतलब जीवित वस्तु की तरह या जीवित प्राणी की तरह और वो उसको सुप्रीम स्पिरिट कहता है मतलब देवी आत्मा और वो कहता है कि नेचर और मनुष्य के बीच में एक शानदार बंधन है नेचर रिफ्लेक्ट्स हिज ऑन मूड नेचर अपना खुद का मूड बताती है या उसका रिफ्लेक्शन होता है यू ऑल्सो सोज हियरिंग पावर नेचर इज हु इज रेडी टू गाइड एनी वन केयर टू बी गाइड बाय हर नेचर कैन टीच अबाउट मोरल लेवल्स नेचर नेवर बेट्रेड द हार्ट ऑफ दैट लव इट वो कहता है कि नेचर की आवाज़ को सुनना एक पावर की तरह है और नेचर हमेशा हमें गाइड करता रहता है और हमेशा हमारा केयर करता है और नेचर जो है सभी नैतिक बुराइयों से हमें दूर रखता है और दूर रखने की शिक्षा देता है और नेचर नेवर बेटरेड नेचर कभी धोखा नहीं देता है उनको जो नेचर को दिल से प्यार करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर टू गॉड ग्रेजुअ इज रिफ्लेक्टेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर ईश्वर की प्रतिकृति हमें प्राकृतिक सुंदरता में दिखाई देती है इसको हमको एलोबरेट करना है सो आंसर नेचर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड प्रकृति जो है ईश्वर के द्वारा रचित एक महानतम रचना है इट कंसिस्ट अ लार्ज फॉरेस्ट बरेन आइस कवर्ड हिल्स लेक्स एटसेट्रा और इसमें बड़े बड़े फॉरेस्ट बरेन मतलब होता है मरुस्थल और आइस से कवर्ड हिल्स लेक्स मतलब झीलें ये सभी इसमें आती है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर द सोर्सेज ऑफ प्लेजर टू द पीपल और लोगों के लिए सारे नेचुरल सोर्स आनंद का सोर्स है लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन नेचर दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन नेचर कई सारे पक्षी पशु ये सभी जो है नेचर के अंतर्गत आते हैं और ये सभी नेचर पर डिपेंड होते हैं नेचर प्रोवाइड्स देम फूड वाटर एंड शेल्टर नेचर जो है सभी प्राणियों को फूड वाटर और शेल्टर देता है शेल्टर मतलब पनाह या आवास वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स दे हैव डिफरेंट कलर्स एंड फ्रेग्रेंस हु हैज फील्ड कलर इन देम। नेचर में कई प्रकार के फ्लावर्स होते हैं जिनमें कई डिफरेंट कलर्स और उनकी खुशबू होती है और इनमें जो कलर है वो प्रकृति द्वारा ही प्रदान किया जाता है हु हैज फेल्ड टेस्ट इन फ्रूट्स और इस प्रकृति ने ही फ्रूट्स में जो टेस्ट भर दिया है जो मनुष्य के लिए एक वरदान की तरह है द रिप्लाई ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज दैट गॉड हैड डन ऑल दिस मिरेकल्स और इन सभी क्वेश्चन का आंसर यही है कि ईश्वर ने ये सारा मिरेकल्स मतलब चमत्कार किए हैं कि फूलों में खुशबू फ्रूट्स में टेस्ट है ना फूड uh, वाटर और शेल्टर प्रदान किया है सो वी कैन से दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर इसलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा जो है प्रकृति के सौंदर्य में हमें मिलती है या प्राप्त होती है सो स्टूडेंट्स राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन इन योर इंग्लिश नोटबुक थैंक यू